आप लोगों ने सुने होंगे दुनिया भर में अलग 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 दिन को मनाया जाता है, लेकिन आज जिस दिवस के बारे में बताना चाहता हूँ इसको आप सभी को मनाना चाहिए, बल्कि वर्ष भर इस दिवस के लिए कार्य करना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा कौन सा दिन है स्वामी जी, थोड़ा बताइए तो सही। तो सुनिए, इस दिवस का नाम है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, 9 अगस्त को मनाया जाता है। आप कहेंगे स्वामी जी इसका इतिहास क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या हर दिन आदिवासियों का नहीं होता, क्या हर दिन आदिवासी नहीं रहते, क्या एक ही दिन रहते हैं, क्या क्यों मनाया जाता है? आइए मैं कारण बता देता हूँ। आप या आपके पूर्वज जिसका कारण होंगे कहीं ना कहीं। आप कहेंगे कैसे, मैं बताता हूँ ऐसे। सुनिए, भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर पूरी संस्कृतियां फुलफुल रही थी, लेकिन अचानक से विकास और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ दुष्ट कुत्सित मानसिकता के लोग पहुंच गए ऐसी जगहों पर जो प्रकृति ने सौंदर्य से भरपूर रखी थी, जो प्रकृति ने नेचर ब्यूटी दिया था, वो नेचर ब्यूटी का नाश करने के लिए कुछ लोग पहुंचे, और उन्होंने नेचर का ही हास नहीं किया, उन्होंने नेचर का ही विनाश नहीं किया, अपितु उन्होंने उसके साथ कई संस्कृति को लील दिया, कई संस्कृति का नाश कर दिया, कई संस्कृति को प्रताड़ित किया। वो प्रताड़ित होने वाली संस्कृति और सभ्यताएं डेवलपमेंट और विकास के नाम पर जो भेंट चढ़ गई, वो सिविलाइजेशन, वो कल्चर जो मनाते थे अपना, वे लोग कौन थे? वे आदिवासी थे। मैं आपको हजारों ऐसी घटनाएं नहीं लाखों गिना सकता हूँ। मैं जब अध्ययन करने उतरा हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस प्रकार से इनके साथ प्रताड़नाएं हुई। उन प्रताड़नाओं को याद करके इनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए विश्व आदिवासी दिवस का एक दिन तय किया गया, वो भी यूएनओ के द्वारा, कोई छोटी मोटी संस्थाओं के द्वारा नहीं। और इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, ये सामान्य कोई एक दो दिन में नहीं सील लगा दिया गया इस पे कि इस तारीख को मना लिया जाए, नहीं, इस पर बड़ी गहन गंभीरताओं से चर्चाएं हुई है। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने बड़े बड़े रिसर्च किए, उसके बाद माना, स्वीकार किया, बड़े शर्म के साथ स्वीकार किया कि हाँ, हमारे इस विकास ने आदिवासियों का शोषण किया, उनको उनकी सभ्यता और संस्कृति से दूर कर दिया, विमुख कर दिया, उनको उनकी ही जगह से, उनके जंगलों से, उनकी उनकी जमीन से, उनके पहाड़ों से, उनके उनके प्रेम से, उनके प्यार से, उनके लव से, उनकी मातृभूमि से दूर करके हमने उनको झटक दिया। ये पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया आज स्वीकार करती है, और इसीलिए यूएनओ ने इस दिवस को तय किया है। तो आप कहेंगे कि स्वामी जी हम क्या करें? अरे भाई, लगिए वर्ष भर लगिए इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, और फिर एक दिवस को उत्सव के रूप में मनाइए कि हमने आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह कार्य किया। आदिवासी भाई तो मनाते हैं वो उत्साह की तरीके से, अपने पूर्वजों की वीर गाथाओं से वे भरपूर रहते हैं, लेकिन उनकी वीर गाथाएं जन सामान्य तक क्यों नहीं पहुंच पाई? कारण जानिए ना, कारण ढूंढिए कि उनकी वीर गाथाएं, आदिवासी वीरों की वीर गाथाएं जन सामान्य तक क्यों नहीं पहुंची, क्या कारण, इसके पीछे क्या षड्यंत्र, इसके पीछे एक पूरा का पूरा क्या आडंबर है कि इनकी इनकी वीर गाथाओं को जन सामान्य तक जाने नहीं दिया? प्रकृति के सबसे बड़े प्रेमी, नेचुरल लवर, सबसे बड़े कौन? आदिवासी। और मैं जानता हूं कि मेरी बातों से कुछ लोगों को दुख होगा, दुख होना चाहिए, दुख और गम उनके जीवन में होना चाहिए। कारण के हम जिन्हें भाई कहते हैं हम उन्हें गले से नहीं लगाते। अरे जिनके यहां पर प्रतिदिन प्रकृति का रक्षण कैसे किया जाए इसकी तैयारियां रहती है, ऐसे लोगों को अगर मुख्य धारा में नहीं लाओगे वे राष्ट्र नहीं अपितु विश्व विनाश की कगार पर पहुंच गया। ग्लोबल वार्मिंग क्यों आई? आदिवासियों के पद चिन्हों को हमने स्वीकार नहीं किया, चलते तो आज ग्लोबल वार्मिंग तो क्या कोई संकट नहीं आता। ये दुनिया में खतरनाक वायरस, एक नाम सुनाता हूं, जीका, कहां से आया? जंगलों को काटे वहां से निकल के आया, आपको गिफ्ट दिया प्रकृति ने, बढ़िया सा
जीका वायरस। आप जाकर अध्ययन कीजिए, जितने भी खतरनाक भयानक वायरस कहाँ से आते हैं। आप जब प्रकृति का विनाश करते हैं तब ये आपको प्रकृति देती है। फिर अब आप उसे गिफ्ट कह लीजिए, दंड कह लीजिए, लेकिन प्रकृति सबका हिसाब करती, न्याय करती है। तो कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये आप ये बीच में जोहार जोहार क्या बोलने लग गए, ये जोहार जोहार क्या, ये मांजरा क्या है स्वामी जी। तो मैं बता देता हूँ, जोहार इज ए नेचर गिटी, यह एक प्राकृतिक अभिवादन है, यह प्रकृति को धन्यवाद है और हमें करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। मैं सभी से कहता हूँ कि आप इस कार्य में लग जाइए। आदिवासी कैसे उन्मूलन की एक ऐसी बयार में बह के हमारे साथ आ जाए। आदिवासियों को हम कितना स्ट्रोंग तरीके से खींच पाते हैं, उनको हम कैसे संबल दे पाते हैं, उनका कैसे डेवलपमेंट करते हैं उनके हिसाब से, ना कि हमारे हिसाब से। उनको उनके जीवन को कैसे जीना है उनका मौलिक अधिकार है, हमने छीन लिया। कौन होते हैं? प्रकृति ने जीवन सबको बराबर दिया तो हम कौन होते किसी के बारे में तय करने वाला। बस यही कहता हूँ, विश्व आदिवासी दिवस की अग्रिम शुभकामना, हृदय की गहराइयों से शुभकामना। और फिर सभी को कहता हूँ, विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक विश्व के हर देश के नागरिकों को मनाना चाहिए, क्योंकि हम अगर इस कल्चर को नहीं स्वीकार कर पाए, नहीं उसे सहेज पाए, विनाश 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 तय है। ये वायरस की भरमार आपके पास आएगी। आप अध्ययन कीजिए, थोड़ा पढ़िए, जानिए, समझिए। और ये बातें मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ कि मैं जब से अध्ययन करने लगा और मैं गहनता से जब जाने लगा तो मुझे पता चला कि मैं किस ओर जा रहा हूँ और मुझे क्या करना है, मैं किस बयार में जा रहा हूँ, मुझे किस तरफ जाना है। आप भी अध्ययन कीजिए, आपको समझ में आएगा। अपने दिमाग को स्थिर रखकर, ब्लाइंड फेथ ब्लाइंड फॉलोज नहीं करते हुए, आप अपने दिमाग को एक मानव के रूप में खड़ा करके देखिए कि क्या हम जो विकास कर रहे हैं वो कहीं प्रकृति को, पृथ्वी को विनाश की ओर तो नहीं ले जा रहा, वो इस धरती को कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देगा, विस्फोट तो नहीं कर देगा धरती पर, ऐसा जिसमें हम बच ना पाए और हमारी वजह से इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु सब नष्ट हो जाएंगे। तो मैं फिर से कहता हूँ, प्राकृतिक अभिवादन के साथ जय भीम, जय जोहार, भारत माता की जय। विश्व आदिवासी दिवस सब मनाइए, हर जगह मनाइए। आप आपके घर में वहां मनाइए, आप आपके ग्रुप में है वहां मनाइए, आप आपके गांव में वहां मनाइए, चौराहों पर मनाइए, जहां मना सकते हैं वहां मनाइए, लेकिन मनाइए जरूर। हाथ जोड़ करके फिर आपसे कहता हूँ, भारत माता की जय, जय भीम, जोहार।